नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। अमेठी में ही नगर पालिका चुनाव को लेकर किसान मोर्चा की प्रेस वार्ता हुई है और सभी नगर पालिका नगर पंचायत में वार्ड संयोजक बनाए गए हैं और नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी किसान मोर्चा ने कमर भी कस ली है। वहीं बीजेपी कार्यालय में किसान मोर्चा की प्रेस वार्ता आयोजित हुई और किसानों का साफ तौर पर कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और विकास के मुद्दे पर जनता हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से नगर पंचायत के चुनाव को लेके हर तरह से कमर कस ली है। उसी के क्रम में किसान मोर्चा के भी अपने प्रभारी नियुक्त किए गए हैं चारों, दो नगर पालिका दो नगर पंचायतों में, और हम लोग हर सभी वार्डों में वार्ड संयोजक बना रहे हैं, हर घर तक पहुंच रहे हैं, सबको जोड़ रहे हैं और पूर्ण रूप से सभी नगर पंचायतें भाजपा जीतेगी। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज तहसील क्षेत्र की माली मेनहा गांव में डुमरियागंज के ही पूर्व बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह की अगुवाई में, आपको बता दें कि स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े गुमनाम शहीदों के ऐतिहासिक स्थल अमरगढ़ को लेकर तीन दिवसीय अमरगढ़ महोत्सव 26, 27 और 28 नवंबर को आयोजित किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम को लेकर पूर्व विधायक ने दो दिन पहले प्रेस वार्ता कर जानकारी दी थी, लेकिन आज डुमरियागंज में मौजूद पीपुलस इंटर कॉलेज के प्रबंधक आनंद सिंह जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और डीएम संजीव रंजन को ज्ञापन देकर ही उन्होंने आरोप भी लगाया है, जिस पर जमीन विवाद और इसके साथ ही ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और जमीन हमारे स्कूल की है और जिसे 1930 में ही जमींदार पांडे रवि परिवार ने ही स्कूल को कृषि कार्य हेतु सौंप दिया था। वहीं इस मामले को लेकर जिलाधिकारी संजीव रंजन ने बताया है कि पूरा मामला ये है कि इनकी एक जमीन को लेकर विवाद चल रहा है और नगर पंचायत डुमरियागंज और इनके बीच, जो कि शो कोल्ड अमरगढ़ शहीद स्थल के रूप में कहा जा रहा है, तो ये अभी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सेकंड अपील पर ही पड़ी हुई है और वहीं से निर्णय होना है कि इस जमीन पर किसका टाइटल होना है। और तब तक के लिए हाई कोर्ट के द्वारा एक आदेश तामील कराया गया है। हाई कोर्ट ने एक आदेश किया है कि तब तक सेकंड अपील का डिस्पोजल नहीं होता है और तब तक इसके जो भी बात जमीन पे हैं उसके नेचर को चेंज ना किया जाए और इस संबंध में अभी एक बिंदु आ रहा है और इसमें कोई मेले का आयोजन होना है और इस मेले का आयोजन होगा नहीं तो इस संबंध में क्या मेले में आयोजन कोई अंतर जाएगा और नहीं, इस पर डीजीपी को लेकर भी राय मांगी गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि राय के अनुसार हाई कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसका पालन कराया जाएगा। अब पूरा मामला है कि इनकी एक जमीन को लेकर विवाद चल रहा है नगर पालिका या नगर पंचायत डुमरियागंज और इनके बीच, जो कि सोकॉल्ड अमरगढ़ शहीद स्थल के रूप में कहा जा रहा है। तो ये अभी बोर्ड ऑफ रिवेन्यू में सेकंड अपील पे पड़ी हुई है। उसका मामला यह है कि मैं पीपल्स इंटर कॉलेज डुमरियागंज का प्रबंधक हूँ, आनंद सिंह मेरा नाम है। मेरा नगर पंचायत, मेरे प्रॉपर्टी है कॉलेज की, सोसाइटी की प्रॉपर्टी है ग्राम माली मैनहा में, जिसका कि वाद चला हमारा इसके नगर पालिका डुमरियागंज से गलत तरीके से उसको खारिज करके और नगर पालिका ने सरकारी संपत्ति घोषित की, जिसके लिए कि हम फिर हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट से हमें उसमें स्टे मिला, स्टेटस को रखने का हमें आदेश शासन को निर्देशित किया गया कि स्टेटस को मेंटेन किया जाए। पुलिस महानिर्देशक उत्तर प्रदेश लखनऊ और श्रीमान अपर पुलिस महानिर्देशक बरेली जोन बरेली के ही निर्देशन और श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक परिक्षेत्र मुरादाबाद और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के आदेश अनुसार अवैध सूद का कारोबार करने वाले अपराधियों द्वारा अपराधिक क्रियाकलापों के अर्जित की गई अवैध चल और अचल संपत्ति के अधिग्रहण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना बिलारी पर ही पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट 1986 से संबंधित
अभियुक्त अनुकूल चौधरी ग्राम गवारऊ थाना बिलारी और मुरादाबाद हाल पता मोहम्मद हुकूमत नगर शाहकुंज और कस्बा और थाना बिलारी मुरादाबाद का मकान प्लाट कृषि भूमि बैंक बैलेंस एफडी चल और अचल संपत्ति को गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट मुरादाबाद के अनुपालन में ही पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मुरादाबाद अप जिला मजिस्ट्रेट बिलारी और क्षेत्र अधिकारी बिलारी के निर्देशन और कुशल नेतृत्व में आज थाना बिलारी पुलिस द्वारा कुर्क किया गया है। आए दिन उपभोक्ताओं के बैंक खाते से पैसे विड्रॉ होने की घटनाएं प्रकाश में आती रहती हैं और समय समय पर पुलिस प्रशासन द्वारा इन फ्रॉड से बचने के लिए जागरूक भी किया जाता है, परंतु इन चीज़ों पर ध्यान न देने पर फ्रॉड की घटनाओं में इजाफा होता है और लोग परेशान होते हैं। इसी तरीके से उपभोक्ताओं के बैंक खातों से गायब हुए रकम को गाजीपुर पुलिस ने साइबर सेल की मदद से वापस कराया है। खाते से गायब हुए उपभोक्ताओं ने अपने अपने थानों में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी और साइबर सेल ने कामयाबी हासिल करते हुए ही 6 लोगों के खाते से गायब हुए 6,52,500 रुपए वापस कराए हैं और साथ ही मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया गया है कि किसी भी तरह से बैंक खातों की गुप्त जानकारी अनजान व्यक्ति को ना दी जाए और ना ही किसी लिंक पर क्लिक किया जाए और इसके अलावा बिल की भुगतान और लॉटरी निकलने जैसे फ़ोन कॉल से बचे, अन्यथा ठगी के शिकार हो सकते हैं। क्राइम के माध्यम से साइबर फ्रॉड की बहुत घटनाएं, लोग शिकायत लेके आते हैं कि वो उसके शिकार हुए हैं साइबर फ्रॉड के। हमारे जनपद में भी समय समय पर शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं, तो हमारी जो जनपद की साइबर सेल टीम है उसके द्वारा एक बड़े अच्छे कार्य किए गए हैं। करीब 6 लोग जिनके साथ साइबर फ्रॉड किया गया था और फ्रॉड करके उनके पैसे निकलवा लिए गए थे, जनपद गाजीपुर की साइबर टीम ने ऐसे 6 लोगों के पैसे वापस कराए हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ गाजीपुर से संवाददाता मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, जिस तरह से खबर सामने आई है कि ठगी का शिकार हो रहे हैं लोग और जो फ्रॉड कॉल आती है उसके बाद ये ठगी की जाती है, फिलहाल साइबर सेल की टीम की कार्रवाई सामने आई है। जी, आपको बता दें कि जिस तरह से ये गाजीपुर में काफी जो है शिकायत मिल रहा था पुलिस कप्तान को कि आए दिन जो है ठगी का शिकार लोग हो जा रहे हैं, जो उपभोक्ता है उनके खातों से जो पैसा जो है निकल जा रहा है, गायब हो जा रहा है, तो इसके लेकर के पुलिस के लिए भी काफी सरदर्द बना हुआ था कि इस तरह का जो ये पैसा जो गायब हो रहा है उपभोक्ताओं का, कहीं ना कहीं इसके लिए पुलिस के लिए भी चुनौती थी। तो कहीं ना कहीं गाजीपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है जिसमें साइबर सेल ने करीब 6,52,500 रुपए जो है, मतलब जिन लोगों ने फ्रॉडगिरी करके चाहे उनके अकाउंट से पैसा निकाल करके लिया था, तो उसको वापस करने का कहीं ना पुलिस ने काम किया है। जी मेहताब, इस तरह के पहले भी केस सामने आ चुके हैं कि ये पहली बार केस सामने आया गाजीपुर से? जी, इस तरह के केस जो है आए दिन सुनने में आते हैं, सुर्खियों में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है साइबर कैफे और साइबर पुलिस जो है कहीं ना कहीं सतर्क रहती है कि इस तरह की जो है कहीं ना कहीं घटना सुनने को ना मिले। तो इस तरह से जो कप्तान ने भी कहा है कि जो इस तरह की सूचनाएं मिलती रहती हैं तो उसको हम लोग कम करेंगे। जी मेहताब, इसके पीछे कोई गिरोह काम कर रहा है क्या कि मतलब बार बार ऐसे केस जो सामने आ रहे हैं? जी, ये हम इसको गिरोह भी कह सकते हैं या इसको कह सकते हैं कि जो नवयुवक है जो इस तरह का जो काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये दोनों ही सेम है, जैसे कि युवक भी हो सकते हैं और जो है गिरोह भी हो सकता है जो इस तरह का जो है काम कर रहे हैं, जो लोगों के खातों से पैसा जो है निकाल कर उड़ा दे रहे हैं। जी मेहताब, अभी फिलहाल कितने लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? अभी फिलहाल में जो है करीब 3 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है और भी पुलिस छानबीन कर रही है कि इस तरह का कहीं जो हो तो उनको भी पकड़ के उनको भी जेल के सलाखों में डाला जाए। जी मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की पहली जयंती को समाजवादी पार्टी ने SFI में धरती पुत्र दिवस के नाम से मनाया है और इस अवसर पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव समेत सपा के सैकड़ों
जो नेता और कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की जयंती को समाजवादी पार्टी ने बड़ी सादगी के साथ मनाया है और इस अवसर पर ही सेफई में मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल के पास सेफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों ने ही हवन पूजन का कार्यक्रम कर नेताजी को याद किया है और इस अवसर पर शिवपाल यादव ने भी पहुंचकर हवन में आहूति देकर मुलायम सिंह यादव को नमन और याद किया है। और आपको बताते चले कि सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की पहली जयंती को मुलायम परिवार ने बड़ी ही सादगी के साथ सेफई में ही धरती पुत्र दिवस के नाम से मनाया है। मुलायम सिंह यादव के प्रत्येक गांव सेफई में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूरे परिवार और सपा के कई छोटे बड़े नेताओं के साथ मुलायम सिंह यादव को नम आंखों से याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और इस अवसर पर सभी ने नेताजी मुलायम सिंह के आदर्शों पर चलने का प्रण भी लिया है और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव के अधूरे कामों को पूरा करने और समाजवाद के मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि सफाई में हर साल आयोजित होने वाले सफाई महोत्सव की शुरुआत नेताजी मुलायम सिंह यादव ने की थी, लेकिन पिछले कई कुछ टाइम से ही, कुछ समय से, कुछ सालों से ही किन्हीं कारणवश सेफई महोत्सव का आयोजन नहीं हो पा रहा है और उन्होंने कहा कि नेताजी ने लोगों को संस्कृति से जुड़ने के लिए सेफई महोत्सव की शुरुआत की थी जिसे अगले साल शुरू करवाया जाएगा। और इस मौके पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने भी कहा कि नेताजी जमीन से जुड़कर काम करने वाले नेता थे, उन्होंने निचले स्तर के लोगों को सम्मान के साथ जीवन जीना सिखाया। उन्होंने कहा कि नेताजी ने सब्जी बेचने वाले तक को चार चार बार चुनाव लड़वाया और जितवाया। शिवपाल यादव ने यह भी कहा कि नेताजी के साथ रहकर उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और नेताजी हर किसी को उंगली पकड़कर सम्मान से जीना सिखाते हैं और इस अवसर पर उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि आज नेताजी की वजह से सेना में शहीद होने वाले जवानों के शव सम्मान के साथ उनके घर पहुंचते हैं। इससे पहले शहीद होने वाले जवानों के शव जो है वो घर नहीं पहुंच पाते थे और शहीद के परिजन अपने लाडले के आखिरी दर्शन नहीं कर पाते थे। नेताजी ने रक्षा मंत्री रहते हुए ये फैसला लिया था। उन्होंने कहा कि नेताजी को हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया के लोग जानते थे। नेताजी ने जाति मजहब और से ऊपर उठकर गरीब बेरोजगार के लिए बहुत कुछ किया। नेताजी के सपनों को पूरा करने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। और विशेष मैं बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो बड़ी देर से यहाँ बैठ करके जो भी पार्टी के बारे में और नेताजी के बारे में बात रखे हैं वो और ध्यान से सुन रहे हैं। आज जब हम पहले ही बार यहाँ पर मिल रहे हैं और जयंती मना रहे हैं, उस समय नेताजी हमारे बीच नहीं हैं, हम सब उनको याद करते हैं और जो हमारे पुराने साथी हैं उन्होंने नेताजी के साथ रह करके पूरा का पूरा जीवन का संघर्ष देखा है। आज जहाँ हम लोग बैठे हैं ये आसपास जो विकास दिखाई दे रहा है ये सब नेताजी की देन है। बहुत सी बातों को सीखने का मौका मिला है। सर मैं तो गवर्नर साहब से करदार करके मगूगा मेरा जी का साथ मिला मेरा जी की सेवा का मेरा जो अवसर मिला था और मेरा जी इसी खबर पर हमारे साथ इटावा से संवाददाता रोहित सिंह चौहान जुड़ चुके हैं। रोहित सिंह, जिस तरह से मुलायम सिंह यादव की जयंती मनाई गई है वहां पर परिवार के लोग मौजूद थे और क्या क्या वहां पर अपडेट अभी? बिल्कुल, आदू मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये जो है पहली जयंती नेताजी की थी और इसको जो है समाजवादी पार्टी ने और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बहुत ही सादगी के साथ धरती पुत्र दिवस के नाम से सैफई में मनाया है। क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत जो है अपने गांव सैफई से की थी और उनको अपने गांव से बेहद लगाव था, इसी के चलते जो है समाजवादी पार्टी ने यह कार्यक्रम सैफई में आयोजित किया है। उनकी समाधि स्थल के पास जो है सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने एक हवन पूजन का कार्यक्रम रखा था जिसमें
उन्होंने आहुति देकर नेताजी को नमन कर उनको याद किया और इसके साथ साथ सैफई के समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता और नेता जो कि देश भर से आए हुए थे वो यहाँ पर शामिल हुए हैं और अखिलेश यादव समेत समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता जो है इस कार्यक्रम में शामिल होकर उनको बड़ी सादगी से उनको याद कर उनको नमन कर उनके जयंती को मनाया है। और इस दौरान सभी नेताओं ने मुलायम सिंह यादव के आदर्शों पर चलने का प्रण किया है, आदर्श मानते हुए उनके पदचिन्हों पर चलने का प्रण किया है और सभी ने नम आंखों के साथ जो है इस जयंती के कार्यक्रम को मनाया है। जी, कितनी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद रहे हैं क्योंकि मुलायम सिंह जयंती पर कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और वहाँ पर जो लोग पहुँचे हैं वो भी भारी संख्या में पहुँचे हैं और सभी ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी है। बिल्कुल, आपको बता दूं देश भर से कई सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और बड़े बड़े नेता जो पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और वर्तमान में कई विधायक जो समाजवादी पार्टी के हैं वो यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने जो है इस पूरी जो कार्यक्रम था इसमें हिस्सा लिया और सभी की आंखों पर जो है बड़ी नम आंखें थी और जो है इस कार्यक्रम को उन्होंने जो है बड़ी ही सादगी के साथ मनाया है। कहीं भी किसी प्रकार की जो है कोई चुनावी या कोई राजनीतिक कोई भाषणबाजी इस पूरे कार्यक्रम में नहीं देखने को मिली। हालांकि देखा जाए तो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं और यहाँ पर डिंपल यादव यहाँ से प्रत्याशी हैं, लेकिन इस सीट को भी लेकर, इस चुनाव को लेकर भी इस पूरे कार्यक्रम में कोई किसी प्रकार की कोई भाषणबाजी यहाँ पर दिखाई नहीं दी। जी रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फरुखाबाद में बाइक सवार 50 वर्षीय अधेड़ को गोली मारी गई है और बाइक से गांव के सिंतरा निवासी 50 वर्षीय अधेड़ कामियोंगंज के से वापस लौट रहे थे और गांव जो है वहां पर रजपालपुर तिराहा के पास मंदिर के करीब अज्ञात में बाइक सवार अधेड़ के पीछे से गोली मार दी गई है जिससे बाइक सवार कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के ही गांव जो है सेंतरा निवासी आलोक गंगवार उम्र 50 साल पुत्र फकीरे लाल गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने आनंद फानन में गंभीर रूप से घायल अधेड़ को CHC कामियमगंज में भर्ती करवाया है और जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल अधेड़ आलोक गंगवार को जिला अस्पताल लोहैया के लिए रेफर कर दिया। आनंद फानन में परिजनों ने 108 एम्बुलेंस से गंभीर रूप से घायल आलोक को जिला अस्पताल लोहैया में भर्ती कराया और आपको बताते चले कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने गंभीर रूप से घायल अधेड़ को प्राथमिक उपचार के बाद सैफई रेफर किया था और कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गाँव भटासा के करीब राजपालपुर तिराहा के पास का यह मामला बताया जा रहा है जहां पर अधेड़ को गोली मारी गई है। बस्ती जिले के ही पेकवलिया थाना के करनपुर गांव में ही बीते 21 नवंबर को दिव्यांग सुनील को लोहे की रोड से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर झाड़ियों में फेंक दिया गया था। बाद में युवक की मौत हो गई और पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए अभियुक्त महेश तिवारी को अरेस्ट कर लिया है। हत्या में प्रयुक्त लोहे की रोड को भी बरामद कर लिया गया है। इस हत्याकांड की वजह जानकर भी हैरानी हो रही है कि दोस्त के लिए सस्ती जो शराब थी और दोस्त के लिए ब्रांडेड शराब लाने के विवाद में महेश तिवारी ने सुनील को लोहे की रोड से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। आपको बताते चलें कि मृतक सुनील और अभियुक्त महेश आपस में दोस्त थे और दोनों कहीं से काम करके वापस घर जा रहे थे और दोनों शराब के आदी थे। रास्ते में शराब पीने के लिए दोनों ही साथ में रुके और मृतक सुनील शराब लेने पास के ही दुकान पर गया और दो बोतल शराब खरीदी। जब दोनों शराब पीने बैठे तो मृतक ने अपने लिए ब्रांडेड शराब की बोतल निकाली और अपने दोस्त को पीने के लिए लोकल शराब की बोतल दी, जिसको लेकर अभियुक्त महेश तिवारी भड़क गया और दोनों ने शराब पी और लेकिन अपने साथ शराब पीने में भेदभाव करने वाले अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतारने का फैसला लिया।
रास्ते में लोहे के रोड से पीट पीट कर सुनील को मारा हुआ समझकर ही पास में झाड़ियों में फेंक कर घर चला गया और तब सुनील पूरी रात अपने घर नहीं पहुंचा तो घर वालों ने तलाश शुरू की और सुबह में झाड़ियों में सुनील को देखा तो गंभीर रूप से घायल था। उसको अस्पताल ले जाया गया जहां पर डॉक्टरों ने सुनील को मृत घोषित कर दिया और पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं पुलिस ने अभियुक्त महेश तिवारी को अरेस्ट कर लिया है। महेश ने बताया है कि हम लोग शराब के आदी हैं और सुनील ने अपने लिए हाई क्वालिटी की शराब लाई और मेरे लिए वो क्वालिटी खराब लेकर आया और जिसकी वजह से उसकी हत्या कर दी गई। वाल्टरगंज थाने का जिनवा गांव है जहां से आज एक पीड़िता और उसके परिजन सुबह 8 बजे लगभग थाना वाल्टरगंज पे आए थे और उनके लड़की के परिजनों ने ये बात बताई कि दो लोगों ने उसकी पुत्री के साथ गलत कार्य किया है। इस सूचना पर जो भी तहरीर थाने पर मिली है उस पर एक अभियोग दर्ज हो गया है बलात्कार का। और इसी खबर पर हमारे साथ बस्ती से संवाददाता पारसनाथ मौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पारसनाथ, जिस तरह से खबर सामने आई है कि दो दोस्त आपस में शराब पी रहे थे और एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की हत्या कर दी है, पूरा मामला क्या है विस्तार से बताइए। जी, ये पैथोलिया थाना क्षेत्र के करणपुर गांव का मामला है। दोनों दोस्त पहले से ही शराब के आदी थे और दोनों आपस में बैठ करके शराब ही पीते थे। जब भी पीते थे तो दोनों साथ में ही पीते थे। तो ये 21 तारीख की बात है। 21 तारीख को दोनों फिर फैसला किए कि आज शराब पिएंगे, तो वो दोनों लोग वो गया शराब लेने, जो विकलांग था उसका दोस्त तो शराब लेने गया। तो शराब में वो अपने वो दोनों दो ब्रांड का शराब ले लिया, एक थोड़ा अच्छी क्वालिटी का और एक लो क्वालिटी का। तो जो शराब पीने बैठे तो उसने वो जो दोस्त जिसने मारा है उसको उसने लो क्वालिटी का दिया, अपने लिए जो है वो ब्रांडेड शराब रखा था। तो इसी बात को लेकर के दोनों में कहासुनी हो गई, तो झगड़ा हो गया और दोनों शराब पिए। शराब पी करके फिर उसके बाद वो दोनों वहां से चल दिए। रास्ते में उसने अपने दोस्त के ऊपर लोहे की रॉड से जो हमला कर दिया और उसको पीट पीट करके उसको मार करके जब वो मृत अवस्था में चला गया तो उसको झाड़ी में फेंक करके और चला गया। उसके मृतक के परिजन जो है वो रात भर इंतजार किए, जब नहीं मिला दूसरे दिन कोई दिन किए तब पता चला कि उसकी मौत हो गई। जी पारसनाथ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बेतिहाता समाजवादी पार्टी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के ही संस्थापक समाजवादी पार्टी चिंतन पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व रक्षा मंत्री नेताजी की जयंती निवर्तमान जिलाध्यक्ष अवधेश यादव की अध्यक्षता में मनाई गई है और समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले विधि विधान से हवन पूजन किया है और उसके बाद स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के चित्र पर ही पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है और इस मौके पर ही इस दौरान उनके व्यक्तिगत एवं कृतित्व के प्रकाश डाला है और इसके बाद नेताजी की जयंती पर ही कुष्ठ आश्रम और दृष्टि बाधित और इसके साथ ही मुखबधिर विद्यालय में फल और भोजन वितरित किया गया है। निवर्तमान जिलाध्यक्ष अवधेश यादव ने यह भी कहा कि नेताजी ने जो समाजवादी रास्ता दिखाया है और वही रास्ता गरीबों, किसानों और नौजवानों को आगे लेकर जाएगा और नेताजी का संघर्ष और समाजवादी संग्राम में उनका योगदान सदैव अमर है और नेताजी के संदर्भ में ही आने वाली पीढ़ियों को सीखने की ज़रूरत है और आने वाली पीढ़ियां सीखती रहेंगी। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जयंती पर उनके आदर्शों और सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लेकर उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। पूर्व जिला अध्यक्ष गोपाल यादव, चंद्रबली यादव और प्रहलाद यादव ने कहा कि नेताजी ने किसानों के, वंचित समाज के सभी गरीब वर्गों के लिए आजीवन संघर्ष करते हुए अपने मुख्यमंत्री काल में उत्तर प्रदेश में तमाम ऐतिहासिक कार्य को किया है और वहीं रक्षा मंत्री काल में देश के सैनिकों के लिए मरणोपरांत उनके गांव को ही, उनके गांव साथ में ही 50 लाख रुपए का चेक और राजकीय सम्मान के साथ उत्तेजित करने और ऐतिहासिक निर्णय लिया था और हम सभी को नेताजी के विचार, आचरण, आत्मसाह और इसके साथ ही उनके पार्टी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का कार्य करना है और यही उद्देश्य नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देखिए, नेताजी का आज का जन्मदिन पहली बार उनकी अनुपस्थिति में हम लोग मना रहे हैं। दिल सबका बहुत भारी है, इसलिए हम लोग
बहुत सादगी के साथ हवन पूजन, गरीबों में, निराश्रितों में कुछ फल वितरण, हमारे अन्य क्षेत्रों में भी लोग भोजन दान, वस्त्र दान करके आज का ये जन्मदिन मनाया जा रहा है। नेताजी के ही प्रेरणा से, उन्नीस के ही दिशा निर्देशन में इस समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी, उनके विचारधारा के साथ आगे बढ़ेगी। क्योंकि उनके बगैर ये पहला जन्मदिन है, तो हम लोग आज यही संकल्प हैं कि आपका आशीर्वाद हम सब पे हमेशा बना रहे। अलीगढ़ के टप्पल इलाके में हुए चर्चित ट्विंकल हत्याकांड में जिला और सत्र न्यायालय के एडीजी 12 की कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी जाहिद को दोषी माना है। कोर्ट ने जाहिद की पत्नी, भाई और अन्य चौथे आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया गया है। और लेकिन कोर्ट के फैसले पर मृतक ट्विंकल के पिता ने असहमति जताते हुए हाई कोर्ट जाने की बात कही है। अलीगढ़ के थाना टप्पल इलाके के टप्पल कस्बा में ही 28 मई को गायब हुए ट्विंकल का 2 जून को कस्बे के रहने वाले जाहिद के घर के पास कूड़े के ढेर में छत विछित हालत में शव मिला था। और घटना को लेकर पूरे देश के अंदर राजनीति गलियारों के साथ साथ बॉलीवुड, हॉलीवुड से जुड़े हुए लोगों की प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। और इस दौरान ही परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना टप्पल पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें मुख्य आरोपी जाहिद को बनाया गया था। जाहिद के साथ जाहिद की पत्नी, जाहिद के भाई सहित एक आरोपी को नामजद किया गया है। यह मामला लगभग 4 साल से अलीगढ़ जिला और सत्र न्यायालय के एडीजी 12 की कोर्ट में विचाराधीन था। और इसके बाद एडीजी 12 सिद्धार्थ सिंह की कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ट्विंकल हत्याकांड के मुख्य आरोपी जाहिद दोषी माना है। और वहीं कोर्ट ने अन्य 3 आरोपियों को बरी कर दिया गया। आपको बताते चले कि वादी पक्ष के अधिवक्ता परमेंद्र जैन ने बताया है कि अलीगढ़ के ही टप्पल में हुए चर्चित ट्विंकल हत्याकांड में आज कोर्ट में लंबी चिरह के बाद अपना फैसला सुनाया है। ये टप्पल कांड बहुचर्चित टप्पल कांड था, जिसमें छोटी 2.5 साल की बच्ची ट्विंकल की हत्या की गई थी घर से अगवा कर। इसमें एक अभियुक्त जाहिद को गिल्टी होल्ड किया गया है, यानी दोष सिद्ध किया गया है। बाकी 3 को गुण दोष के आधार पर बरी किया गया। सजा का फैसला कल सुनाया जाएगा। कितने दिन से मुकदमा चल रहा था? ये मुकदमा 2019 से चल रहा था। जून 2019 की घटना है, 2 जून 2019 की। उसके बाद में अगस्त में यहाँ ट्रायल पे आ गया था। यूपी के पीलीभीत जनपद में सिविल जज सीनियर डिवीजन एमपी एमएलए कोर्ट के प्रियंका रानी ने सपा के ही पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा के खिलाफ कुर्की वारंट जारी किया है। और इससे पहले गैर जमानती वारंट तामिल कराने के लिए एमपी को भेजा गया, मगर पुलिस इसे तामिल नहीं करा पाई, जिस कारण अब यह कार्रवाई की गई है। यहां बता दें आपको कि सपा के पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा समेत 26 लोगों पर 4 साल पहले सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने की तत्काल सिटी मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। और बाद में 25 लोगों के नाम हटा दिए गए और सिर्फ पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था, जिसमें पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा के खिलाफ कुर्की वारंट जारी किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।